हेलो गाइज, उन सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा जो रांची वुमेंस कॉलेज रांची में यूजी में एडमिशन लेने के लिए चांसलर पोर्टल में अपना फॉर्म अप्लाई किए थे और जिन लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था और सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा, तो उन लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों को सेकेंड मेरिट लिस्ट चेक करना है, किस तरह से आप लोगों को अपना नाम ढूंढना है लिस्ट में, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं ये किस तरह से देखना है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग देख YouTube चैनल ऑनलाइन विकास, जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा। रांची वुमेंस कॉलेज रांची के मेरिट लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को रांची वुमेंस कॉलेज रांची के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रांची वुमेंस कॉलेज रांची का ऑफिशियल वेबसाइट है और जो लोग भी इस वेबसाइट पे नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ पर टच करके आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखिए दोस्तों, आप लोगों को कहाँ पर जाना है, किस तरह से देखना है अपना मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा एडमिशन का, ठीक है। तो इसी एडमिशन वाले में टच करना है। जैसे ही टच कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे ऊपर में ही देखने के लिए मिला गया यूजी एडमिशन, तो इसी पे टच करना है। चलिए यहाँ पर मैं टच कर देता हूँ। जैसे ही टच कीजिएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से खुल करके आता है, जो कि यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है यूजी एडमिशन 2024 और नीचे में कुछ नोटिस दिया गया है। देखेंगे तो यहाँ पर नोटिस में मेन क्या चीज़ है, तो यहाँ पर देखिएगा एडमिशन डेट जो कि सेकेंड लिस्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है। देख पा रहे होंगे 20/7/2024 से लेकर के 27/7/2024 के बीच एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग भी दिया गया है फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए, यानी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। टाइमिंग क्या है देखेंगे तो 11 AM से लेकर के 2 PM तक है। चलिए सबसे पहले हम लोग मेरिट लिस्ट देखते हैं, उसके बाद आप लोग को मैं इंस्ट्रक्शन बताऊंगा कि एडमिशन किस तरह से लेना है। तो जिन लोगों का नाम आ जाएगा वो किस तरह से एडमिशन लेंगे इसका भी प्रोसेस में बताने वाला हूं। तो चलिए आगे देखिए, तो उसके लिए आप लोगों को नीचे आना है। जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है यूजी एडमिशन सेशन 2024 to 2028, यानी यहाँ पर 4 साल का यूजी होने वाला है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट का कोर्स होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट पहले ही जारी कर दिया गया था, यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड में तो सभी सब्जेक्ट का नेम देखने के लिए मिल जाएगा आपका, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए थे होंगे, जिस भी ऑनर्स के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे होंगे, तो यहाँ पर 21 सब्जेक्ट दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा आपका सब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है। और उसी के राइट साइड में आएंगे तो सेकेंड लिस्ट दिया गया है, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट का आप सेकंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना चाहें तो उसके राइट साइड में क्लिक हियर पे टच कीजिएगा। जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री का दिया हुआ है, केमिस्ट्री यूजी का, तो सेकंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए क्लिक हियर पे टच करना है आप लोगों को। चलिए मैं कोई एक सब्जेक्ट का, जैसे कि यहाँ पर ज्योग्राफी 10 नंबर में देख पा रहे होंगे यूजी, तो इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए राइट साइड वाले क्लिक हियर पे टच करना है। चलिए यहाँ पर मैं क्लिक हियर पे टच कर देता हूँ और ज्योग्राफी यूजी का मेरिट लिस्ट डाउनलोड करता हूं। तो यहां डाउनलोड हो रहा होगा और यहां पर हो चुका है, देख पा रहे होंगे। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूं पीडीएफ को। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने पीडीएफ कुछ इस तरह से खुल करके दिखेगा। तो यहां पर देखेंगे तो रांची वुमेंस कॉलेज रांची डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट का भी आया हुआ रहेगा जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी लिखा हुआ है, उसके जगह में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इस तरह से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर सेम डेट देखने के लिए मिल रहा है जो कि मैं पहले बताया कि 20/7/2024 से लेकर के 27/7/2024 के बीच एडमिशन ले सकते हैं। ये सभी के लिए है, BA BSc BCOM के लिए। उसके बाद नीचे आएगा तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है इस तरह से एडमिशन लेना है, उसको छोड़िए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है या नहीं, या फिर किस तरह से चेक करना है। आप लोग नीचे वाले पेज में आइएगा तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा रांची वुमेंस कॉलेज रांची का सेकेंड प्रोविजनल एडमिशन सिलेक्शन लिस्ट द एकेडमिक ईयर, यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 2024 to 2025, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल ओपन मेरिट लिस्ट सबसे पहले में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ फर्स्ट में सीरियल नंबर देखने के लिए मिल जाता है, फॉर्म नंबर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप चांसलर पोर्टल में फॉर्म अप्लाई किए थे तो उस हार्ड कॉपी में या फिर कंफर्मेशन पेज में फॉर्म नंबर भी दिया हुआ है, तो वही फॉर्म नंबर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेम देखने के लिए मिल जाएगा, फादर नेम देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर कास्ट कैटेगरी देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद मेरिट पॉइंट यानी कि आपका मेरिट पॉइंट कितना है वो देखने के लिए मिल जाएगा।
तो आप सभी को तो पता नहीं होगा कि कहाँ पे नाम होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जनरल ओपन मेरिट लिस्ट में देखना है, क्योंकि जनरल ओपन मेरिट लिस्ट में सभी कैटेगरी वालों का यहाँ पर लिस्ट रहता है, यानी कि नाम रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आप लोग को क्या देख लेना है, मेरिट पॉइंट। मेरिट पॉइंट कैसे देखेंगे, जो कि आपका सब्जेक्ट में कितना मार्क्स था उसके आधार पर देखेंगे। मान के चलिए कि किसी 77 था, तो 77 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर तीन कोई कहाँ पर 77 देखने के लिए मिल जा रहा है यहाँ पर पॉइंट में, जो जो लोग भी डाले होंगे उन लोगों का भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है। इसके अगल बगल देखेंगे तो नाम आया हुआ है या नहीं आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, सबसे पहले आप लोगों को मार्क्स देख लेना है, आपका मार्क्स जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उसमें कितना नंबर था तो उसके आधार पर देख लेना है। उसके बाद इधर देखिएगा तो अपना नेम मैच कर लेना है, फादर नेम मैच कर लेना है, फॉर्म नंबर भी मैच कर लेना है, कैटेगरी भी मैच कर लेना है। अगर यहाँ पे जनरल ओपन मेरिट लिस्ट में नहीं निकलता है तो आप लोगों को नीचे आना है, ठीक है। उसी तरह देख पा रहे होंगे इनका कट ऑफ गया हुआ है 75.8 गया हुआ है ज्योग्राफी वालों का, ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी का देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, एसटी कैटेगरी यानी कि जो लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वही लोगों का यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लेना है कि एसटी कैटेगरी का देख पा रहे होंगे 74 गया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों को नाम ढूंढ लेना है जो लोग भी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर एसटी कैटेगरी में नहीं है तो कहीं नहीं रहेगा, ठीक है। अब आ जाता है एससी कैंडिडेट, यानी जो लोग एससी कैंडिडेट हैं तो उन लोगों का यहाँ पर नाम देखने के लिए मिल जाएगा। एससी कैंडिडेट का देखें तो यहाँ पर 61.4 यहाँ पे कट अप गया हुआ है सेकेंड मेरिट लिस्ट में। उसके बाद नीचे में देखने के लिए मिल जाएगा BC1 कैंडिडेट का, तो इनका देखेंगे तो यहाँ पर 73 गया हुआ है। अगर 73 के आसपास आपका नंबर है तो देख सकते हैं आपका नाम यहाँ पर आया हुआ है या नहीं। उसके बाद देखेंगे तो नीचे में BC2 का दिया हुआ है, यानी कि BC2 कैंडिडेट वालों का यहाँ पर मेरिट लिस्ट है, तो ये भी अपना चेक कर लेंगे कुछ इस तरह से। यानी कि आप लोग ओपन मेरिट लिस्ट में सबसे पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद कैटेगरी वाले में चेक कर लीजिएगा। अगर इनमें से किसी में आ गया है तो यानी कि आपका एडमिशन हो जाएगा रांची वुमेंस कॉलेज रांची में। इसी तरह से आप सभी सब्जेक्ट का चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई किए हैं उन सभी का यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान देंगे कुछ कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे खाली दिख रहा है किसका, बंगाली यूजी का, ठीक है। उसी तरह आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा होम साइंस यूजी का अभी तक जारी नहीं किया गया है। उसी तरह और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, देख पा रहे होंगे म्यूजिक यूजी का भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया है गया है सेकंड मेरिट लिस्ट। तो इस तरह से ये तीन सब्जेक्ट का आप नहीं चेक कर सकते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट, और बाकी सब्जेक्ट का चेक कर सकते हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई किए थे तो आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जिनका नाम आ चुका है वो एडमिशन किस तरह से लेंगे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से कराएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, उनके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये सभी सब्जेक्ट वालों के लिए सेम इंस्ट्रक्शन है, आप सभी सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट खोलेंगे तो सभी में यही इन्फॉर्मेशन या फिर यही नोटिस यही गाइडलाइंस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो स्टेप वन में क्या बोलता है कि स्टेप वाइज यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के लिए गाइडलाइंस किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग ही पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कि प्रोविजनल एडमिशन विल बी प्रूली ऑन दिस बेसिस ऑफ सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश बाय द कॉलेज एडमिशन कमिटी ऑन द वेबसाइट, देख पा रहे हो कॉलेज वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, जो कि रांची वुमेंस कॉलेज रांची का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है। यानी कहा जा रहा है कि जो भी मेरिट लिस्ट जारी किया गया है कॉलेज की तरफ से, कॉलेज का जो भी कमेटी है उसके तरफ से, तो उन्हीं लोगों का यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हिंदी में भी देखेंगे तो हिंदी में भी दिया गया है। चलिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट का लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के आज जाना है आप लोगों को एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट में दिया गया है कि हार्ड कॉपी ऑफ द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि चांसलर पोर्टल में आप जब फॉर्म अप्लाई किए थे तो उस टाइम एक कंफर्मेशन पेज डाउनलोड किए थे, तो उसी कंफर्मेशन पेज को लेकर के जाना है। अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और लेकर के चले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, यहाँ पर ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर के जाना है और ओरिजिनल मार्कशीट भी लेकर के जाना है क्लास 10th का। लेकिन आप लोग को मैं कुछ इंस्ट्रक्शन बताऊंगा नीचे भी, अगर दिया होगा, अगर नहीं भी दिया होगा तो यहाँ पर ओरिजिनल बोला जा रहा है, लेकिन ओरिजिनल के साथ आप लोगों को जेरोक्स भी लेकर के जाना है। कितना जेरोक्स लेकर के जाना है ये नीचे में होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, नहीं तो अपने तरीके से भी मैं बता दूंगा, पहले जितने भी स्टूडेंट एडमिशन कराए हैं उसके आधार पर। उसके बाद
अगला जो डॉक्यूमेंट देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट ऑफ क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 का भी ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, साथ ही जेरोक्स। ठीक है, ओरिजिनल स्कूल एंड कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इसका कोई भी जेरोक्स नहीं चलने वाला है, आप लोगों को ओरिजिनल ही लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने पास रखना चाहते हैं तो उसका आप जेरोक्स रख सकते हैं, ओरिजिनल को नहीं रख सकते हैं, ओरिजिनल कॉलेज में जमा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट का बात यहाँ पर किया जा रहा है ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपका ओरिजिनल जमा होगा, कोई भी जेरोक्स जमा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आप लोगों का ओरिजिनल जमा होगा, कोई भी जेरोक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये कब लेकर के जाना है, रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन, तो जब रजिस्ट्रेशन होगा तब लेकर के जाना है, लेकिन आप लोगों को अभी साथ में रखना जरूरी है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कब होता है, एडमिशन के बाद होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखेंगे तो जेरोक्स कॉपी ऑफ सीयूटी स्कोर कार्ड, अगर आप चांसलर पोर्टल में सीयूटी स्कोर कार्ड डाले थे तो लेकर के जाइएगा, वरना नहीं डाले थे तो भी कोई बात नहीं, या फिर नहीं भी है तो भी लेकर के जाइएगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर चांसलर पोर्टल के जो सिंपल सा फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, यानी कोई सीयूटी मार्क्स नहीं डाला गया था, उन लोगों का यहाँ पर निकाला गया है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, ये आप लोगों को लेकर के जाना है, इफ अप्लीकेबल लिखा हुआ है, इसमें ध्यान रखिएगा जो एसटी एससी बीसी 1 बीसी 2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो लोग जरूर अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा, ओरिजिनल भी लेकर के जाइएगा और जेरोक्स कॉपी भी लेकर के जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपोनेंट गवर्नमेंट एजेंसी, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है, अगर आपका जो लिस्ट है या फिर आपका जो नाम है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले में आता है तब। ठीक है, अगर नहीं आता है इसमें तो नहीं लेकर के जाना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ECA यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सर्टिफिकेट, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगते हैं जैसे कि आधार कार्ड हो गया, तो इस तरह से आप लोगों को एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी अपने साथ पकड़ लेना है, कुछ आईडी प्रूफ हो गया इस तरह से। उसके बाद नीचे में देखेंगे तो नोट में दिया गया है क्या कि ये फोटोकॉपी हार्ड कॉपी एक सेट होना चाहिए ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट, ये सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी हार्ड कॉपी होना चाहिए एक सेट, और पासपोर्ट साइज यहाँ पर देखेंगे तो एक कॉपी फ़ोटो भी होना चाहिए और दो कॉपी स्टम्प फोटो होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक कॉपी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और दो कॉपी स्टम्प साइज फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, और दोनों क्या होना चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद नीचे में देखेंगे आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन द लिंक फॉर ऑनलाइन पेमेंट ओपन, स्टूडेंट विल पे देयर एडमिशन फी बाई विजिटिंग द चांसलर पोर्टल, आफ्टर दैट दे विल सबमिट द पेमेंट रिसिप्ट एंड एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट, देख पा रहे होंगे कॉलेज का वेबसाइट का लिंक दिया गया है, टू द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस तरह से है, यानी कि आप जब तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तब तक आपका एडमिशन फी पेमेंट करने के लिए चांसलर पोर्टल पे नहीं खोला जाएगा। तो क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद एक दिन लगेगा या फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन के अंदर में ही आप लोगों को चांसलर पोर्टल में जाना है, लॉगिन करना है और चेक करना है कि आपका पेमेंट गेटवे खुला या नहीं। अगर पेमेंट गेटवे खुल जाता है तो आप लोगों को एडमिशन फ़ी पेमेंट कर देना है। अगर आप लोग नहीं जानते कि एडमिशन फ़ी पेमेंट कैसे किया जाता है चांसलर पोर्टल में, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग खुद अपने मोबाइल फ़ोन से पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास ATM कार्ड है तो। उसके बाद नीचे देखेंगे तो कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हैं, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जगह, तो उसके साथ क्या किया जाएगा कि उसका जो भी एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप पेमेंट कर देते हैं और कैंसिल हो जाता है एडमिशन, तो आप लोग का जो पैसा रहेगा वो रिफंड नहीं होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। कोई भी तरीके से आप क्लेम करना चाहें तो यहाँ पर रिफंड नहीं होने वाला है पैसा, इसीलिए आप लोगों के पास जो भी डॉक्यूमेंट या फिर आप जो फॉर्म अप्लाई किए थे वो सभी चीज़ें सही सही होना चाहिए, सभी चीज़ें मैच होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से, और उनके जो पेरेंट्स रहेंगे उनके खिलाफ भी यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6th नंबर में देखते हैं तो कैंडिडेट हैव नो क्लेम फॉर एडमिशन वंस दैट लास्ट डेट इज ओवर, यानी कि अगर आप एडमिशन का जो लास्ट डेट है 27/7/2024 इसके बाद एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, साफ साफ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में गाइडलाइंस में लिखा हुआ है।
अगर आप लोगों को एंटी रैगिंग फॉर्म या फिर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो उसके लिए नीचे में देखेंगे तो एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। स्टूडेंट के लिए यहाँ पर टच करके डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो पेरेंट्स वालों के लिए एंटी रैगिंग फॉर्म के लिए लिंक दिया हुआ है, तो एंटी रैगिंग फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग फिलअप करके साथ में लेकर के जाइएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म है पेरेंट्स और स्टूडेंट का, वो बाद में जमा होता है जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो आप लोग इतना कर लीजिएगा। अगर कहीं पर आप लोग को समझ में नहीं आता है एडमिशन किस तरह से लेना है, प्रोसेस किस तरह से है, या फिर आपका मेरिट लिस्ट देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपका पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, जरूर सहायता करूंगा। तो आप लोग देख रहे थे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस तरह का कॉलेज से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहता हूँ, कॉलेज का अपडेट देते रहता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं उन सभी का अपडेट भी इस चैनल पर देते रहता हूँ। तो इतना करके रखिएगा, और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।